हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित कुमार। आज मैं वोकेबुलरी का वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊँगा। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, लाइक SSC, बैंकिंग, डिफेंस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें इम्पॉर्टेंट OWS के लिए। तो लेट्स बिगिन नाउ। देखिए, एडिक्ट मीन्स होता है लती, नशेबाज। कोई इंसान जो है वो फिजिकली डिपेंड होता है कोई सब्सटेंस पे या हार्मफुल ड्रग्स पे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कोई चीज़ का कंजम्पशन हो गया, मतलब कि एक्सेस कंजम्पशन या उसका एडिक्ट हो जाना, लत लग जाना कोई चीज़ का, ठीक है, तो उसे एडिक्शन बोलेंगे हम। ये शराब का एडिक्शन हो सकता है, ज़्यादा कोई चीज़ यूज करने का एडिक्शन हो सकता है। कोई भी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हो तो वो चीज़ को लेकर आप एडिक्ट हो चुके हो, ठीक है। तो इस टाइप का इंसान को एडिक्ट, अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है, तो इसे हम एडिक्ट बोलेंगे, एडिक्शन ये होता है। एक्यूमन ये होता है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला इंसान, जो क्विक डिसीजन ले सके, गुड जजमेंट्स दे सके, ठीक है। एक्रोफोबिया, ये एक्रोफोबिया होता है हाइट से डर होना, फियर ऑफ ग्रेट हाइट। एक्विट, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान को ये करना, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, बरी करना, ठीक है। समबडी टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट, ऑफिशियली डिसाइड करना और स्टेट करना कोर्ट में किसी के बारे में कि वो गिल्टी नहीं है, ठीक है, क्राइम कोई वो किया है, वो क्राइम नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है, मतलब कि बरी करना या दोष मुक्त करना होता है एक्विट। मतलब एकॉस्टिक्स, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का स्टडी करना होता है एकॉस्टिक्स। एकॉम्प्लाइस जो होता है, अगर आप क्रिमिनल हो और आपके साथ जो पार्टनर है, आपके साथ कोई और है क्राइम करने वाला साथी, तो वो होता है अ पार्टनर इन क्राइम, उसको हम बोलते हैं एकॉम्प्लाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेलरेट मतलब टू इंक्रीज द स्पीड, कोई भी चीज़ का स्पीड को इंक्रीज किया जाता है ना, तो उसको हम एक्सेलरेट बोलेंगे। आप अपना पढ़ाई का स्पीड इंक्रीज करते हो, टाइम ऑफ ड्यूरेशन को आप इंक्रीज करते हो ना, स्टडी का टाइम का ड्यूरेशन, तो एक्सेलरेट हुआ। या आप राइड करते हो तो एक्सेलरेट करते हो, इंक्रीज करते हो स्पीड को। एब्सर्ड, ये इलॉजिकल या रिडिकुलस होता है, ठीक है। अब्रीज मतलब कोई भी राइटिंग हो, पीस ऑफ राइटिंग, उसको शॉर्ट करना, उसका विदाउट सेंस को लूज किए, ठीक है। अबॉलिस मतलब कोई चीज़ को ख़त्म कर देना, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। अबॉलिस मतलब ख़त्म कर देना कोई चीज़ को, ठीक है। एबडिकेट मतलब होता है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एब्रीविएशन होता है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, जैसे कि बिटवीन का BW लिखते हैं ना, तो ये एब्रीविएशन हुआ बिटवीन का, ठीक है। एबैटुअर, इसका मतलब होता है कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, जहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, ठीक है, फॉर कंजम्पशन एज फूड। अबेट मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, ठीक है, रोकथाम करना अबेट मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट OWS के साथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है OWS, ठीक है, तो और भी OWS मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो थैंक यू गाइज़।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।